हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों तो देखिए अभी चिकन करी और अलग सा तरीका से बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए इसके लिए प्याज और इसमें मिर्ची और इसमें आलू सब फ्राई हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही फ्राई कर लेना है, उसके बाद जाके देखिए साइड में चिकन पूरा ले लिया, ये देखिए। तो चिकन को अभी दे दूँगा इसके अंदर दोस्तों, क्योंकि पूरा फ्राई हो गया ये। अभी आप लोग देखिए पूरा अच्छी तरह से दोस्तों। तो देखिए अभी चिकन दे रहा हूँ धीरे धीरे। तो देखिए दोस्तों अभी चिकन दे दिया, उसके बाद क्या क्या देता हूँ आप लोग देखता रहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए रसुन दे दिया, ये देखिए रसुन अभी पेस्ट किया दोस्तों, पेस्ट करके दे दिया। आज दोस्तों जो चिकन करी बन रहे है वो अलग सा चिकन करी है दोस्तों, ठीक है। जो मैं पहले डाला हूँ चिकन करी का रेसिपी उससे भी अलग है दोस्तों, ये वाला देखिए पूरा अच्छी तरह से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी धनिया जीरा हल्दी मिर्ची सब डाल दिया दोस्तों, ठीक है। जितना आप लोग को चाहिए उतना डालिए, खाने का जितना खाने में स्वाद आना चाहिए उतना डालिए दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं। जो पेस्ट किया था दोस्तों गरम मसाला वो पेस्ट अभी डाल दिया। तो अभी मिक्स करने का बाद दिखाता हूँ आप लोगों को और क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए फिर से टोमेटो भी उसका अंदर डाल दिया, कितना अच्छा कलर आया आप लोग देखिए, डिलीशियस है पूरा अच्छा। तो दोस्तों अभी ख़त्म, सब कुछ डाल दिया, सब कुछ हो गया दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। बाद में टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ, टेस्टी होगा, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। क्योंकि शेफ फॉरेन से आया, जो शेफ है वो फॉरेन से आया है दोस्तों, देखिए फॉरेन से आया है इसलिए दोस्तों पक्का खाना पकाने वाला लोग है दोस्तों। और खाना घर पे ज़्यादा टाइम ही बनाना पड़ता है, बीबी को बोलता है तो बीबी मारता है उसको इसलिए घर पे बनाना पड़ता है। बीबी अभी दोस्तों ढक के रख दिया और थोड़ा सा बॉयल होने के लिए, तो मिनिमम 10-15 मिनट आप लोग ऐसे ढक के बॉयल कर लेना, उसके बाद देखते हैं आप लोग कैसा कलर होता है, आप लोग देखिए अच्छी तरह से दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हो गया, कैसा कलर आया आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ और एक नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।